श्योर हैं? क्या पता कोई गलतफहमी या कुछ। ऑफ कोर्स, इनको तीसरा महीना लग चुका है, इन्हें काफी वीकनेस है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, ये आप इन्हें लेकर दे दीजिएगा। क्योंकि आपकी बहन प्रेग्नेंट है, इनको तीसरा महीना लग चुका है। नीचे उतरो। कौन है वो लड़का? रिचा, कुछ पूछ रहा हूँ मैं, कौन है वो लड़का? मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। ये सब करने जाती हो ना तुम कॉलेज? एक बार भी मॉम का ख्याल नहीं आया? रिचा, मॉम की कितनी उम्मीदें थी तुमसे और तुम ये सब कर रही। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? यू आर प्रेग्नेंट, माँ बनने वाली हो तुम। एक बार भी मॉम का ख्याल नहीं आया? अरे सोचो, अगर उन्हें पता लगेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी, क्या बोलेंगे हम उन्हें? परिवार की इज्जत, रेपुटेशन, कुछ नहीं, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। अरे अपने बारे में सोच लेती, अपनी लाइफ के बारे में सोच लेती यार। ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है तुम्हारी और ये सब कर रही हो। भाई आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर ट्रस्ट मी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो पेंटर है भाई, वो बहुत अच्छा लड़का है। या राइट, उसकी अच्छाई का सबूत तो ये हरकतें देख के मिल गया मुझे। भाई प्लीज आप मुझ पर भरोसा कीजिए। रिचा, अभी तक भरोसा ही किया था, नतीजा देख रहा हूँ। अब बताओ क्या करना है, क्योंकि इस बात को हम ज्यादा दिन नहीं छुपा सकते। और रिचा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं मॉम से झूठ नहीं बोलने वाला। भाई प्लीज मेरी बात तो। जी मॉम। बेटा कहाँ हो तुम, और ये सुबह सुबह कहाँ चले गए? मॉम एक्चुअली रिचा, मॉम रिचा को कुछ अच्छा खाना था, इसलिए बाहर आ गए थे ब्रेकफास्ट के, बस घर ही आ रहे। ओके बेटा। हाँ बेटा यश, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? तो परीक्षा आने वाली होगी। जी पापा, बस उसी की तैयारी चल रही है। बहुत अच्छा, हम चाहते हैं ना कि तुम खूब मन लगा के पढ़ाई करो, खूब अच्छा नंबर आए तुम्हारा और एक बहुत अच्छी सी नौकरी मिले। हाँ जी पापा। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा एकदम सही कह रहे हैं। अगर तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी ना, घर खर्चे में हाथ बटा पाओगे और तुम्हारे पापा की मेहनत भी थोड़ी कम हो जाएगी। जी मम्मी। और फिर शादी भी तो करनी है। अरे अभी से लड़कियों की कतार लग गई है हमरे लल्ला के लिए। ए अम्मा, अभी शादी वादी ना होगी। काहे? हाँ? घर भी तो बसाना है कि नहीं? अरे अम्मा, अभी उम्र है क्या उसकी? हाँ? ए बेटा यस, देखो अपनी दादी की बात पे ना बिल्कुल भी मत जाना। अभी खूब पढ़ाई करो, ये शादी वादी के लिए ना पूरा जिंदगी पड़ा है, समझ रहे हो? ए यस, ए बेटा यश, अरे तुम ही से बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? जी पापा, हम से पढ़ाई पे ध्यान देंगे, आप चिंता मत कीजिए। बहुत बढ़िया, पढ़ो पढ़ो। अरे ये दोनों ब्रेकफास्ट करने गए हैं या रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए? इतना टाइम लगता है क्या? भैया फोन करिए, कहाँ रह गए? मैं भी वहीं जाती हूँ। अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों? इतनी देर लगा दी आने में? रिचा, क्या हुआ तुझे? तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मॉम, एक्चुअली मैं रिचा को डॉक्टर के पास लेके गया था। इसको थोड़ी वॉमिट हो रही थी तो टाइम लग गया। क्या? कैसे? नहीं मॉम, डरने की कोई बात नहीं है। बेसिक एसिडिटी थी, अब ठीक है। ओके, तुम दोनों की शक्लें देखकर ऐसा लगा जैसे कोई सीरियस बात है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे नहीं लेकर गए थे ना, इसलिए खाना डाइजेस्ट ही नहीं। एक्सक्यूज मी, इसे क्या हुआ? पक्का एसिडिटी है ना या फिर कुछ और बात है? यार साक्षी, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, वो मैं देखता हूँ। भाभी आप परेशान मत हो, मैं अभी रिचा के लिए ठंडा दूध भिजवाती हूँ। अब रोने से क्या फायदा? ये सब कुछ गलती करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। एक बार को तो मैंने सोचा कि मॉम को सब कुछ सच बता दूं, लेकिन थैंक यू भाई, आपने माँ को कुछ नहीं बताया। नहीं तो इतना रिलैक्स होने की कोई जरूरत नहीं है रिचा, क्योंकि इस बात को हम ज्यादा दिन नहीं छुपा सकते। कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो डॉक्टर, मैं अक्षत बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरी बहन मैरिड नहीं है, तो मैं सोच रहा था अगर हम अबॉर्शन ओके डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए मना कर दी क्योंकि तुम्हारी बॉडी वीक है। भाई मैं ये अबॉर्शन नहीं कराना चाहती, मुझे ये बेबी चाहिए। मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हूँ। रिचा, तुम तो शादी करना चाहती हो, बट क्या वो तुमसे शादी करना चाहता है? ऑफ कोर्स करेगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और उसने बोला है कि वो मुझसे शादी करेगा। एक काम करो, उसको कॉल करो और बोलो कि तुम्हें उससे मिलना है, और प्लीज इतना ही बोलना और कुछ मत बताना उसे। पर घर वालों को क्या बोलेंगे? वो मैं देख लूंगा, तुम उसको कॉल करके नीचे। हाँ रिचा बोलो, हमें भी मिलना है तुमसे। अब वो हमने ना एक पेंटिंग बनाई है तो सोचा तुम्हें दिखा दें। ओके, जहाँ हम हमेशा मिलते हैं, तुम मिल सकते हो क्या आज? हाँ ठीक है, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? सब कुछ ठीक है ना? नहीं कुछ नहीं, तुम मिलो ना, हमें बताती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। हमने ना एक पेंटिंग बनाई है, सोचा तुम्हें दिखा दें। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ, सब ठीक है ना? अरे बताओ तो। रिचा, यही लड़का है। तुम प्यार करते हो मेरी बहन से। हाँ, हम प्यार करते हैं रिचा से। ये सब क्या है? आप मार क्यों रहे हैं हमें? प्यार करना कोई गलत बात थोड़ी ना होती है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि प्यार करना गलत नहीं है। और ये थप्पड़ मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा है क्योंकि तुमने मेरी बहन से प्यार किया है, बल्कि जो गुनाह तुमने किया है उसके लिए मारा है। रिचा, ये सब क्या है? कैसा गुनाह, कैसी गलती? रिचा इज प्रेग्नेंट और बाप तुम हो। बोलो, क्या करना है, क्या बोलना है सबको? देखो, जो गुनाह तुम दोनों ने किया है उसको सुधारने का एक ही तरीका, तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी होगी। जी बिल्कुल, हम तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो रिचा से बहुत प्यार करते हैं। आज नहीं तो कल हम शादी करने वाले थे। आप घर आके पापा से बात कर लीजिएगा, सब हो जाएगा। भैया भाई, मैंने आपको बोला था ना। यार रिचा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा रिचा को लेकर शादी की बात करने के लिए। जी, तब तक तुम अपने घर वालों को मनाओ। पर एक बात याद रखना, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गड़बड़? ये कैसी गड़बड़? कुछ नहीं होगा, आप घर आ जाइए, सब हो जाएगा। चलो। यस बाबू, तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए, तीर एकदम निशाने पे जाके लगाए। अब उस घर का दामाद बन के जीवन भर अयाची होगी। बिट्टी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ लेके जा रही हो हमें? बराओ मत, हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं और यश शादी के लिए रेडी हैं, लेकिन अगर घर वाले नहीं माने तो फिर तो मैं प्रेगनेंसी के बारे में बताना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, इस बारे में घर पे जिक्र भी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें वो रिपोर्ट छुपानी पड़ेगी। हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया। बेकार में हमारा दिमाग मत खराब कर। हटो। अरे घूर कहाँ रही हो? कहा ना हमने कुछ नहीं किया है, झूठ बोल रही है वो। क्या ज्यादा ताव में मत आओ, समझी? छोड़ो से, छोड़ो बिट्टे। रिचा, एक बात बताओ, तुम उसके परिवार के बारे में कुछ जानती हो? क्योंकि उसे देख के लग तो नहीं रहा था कि वो किसी रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। और देखो, मुझे तो इस बात का कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तुम जानती हो ये बात। लेकिन अगर ऐसा है तो मॉम और अंकल को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई, हमारी कंपनी में जो वो सुरेंद्र कुमार है ना, यश उनका बेटा है। बिट्टी, यश, अरे रुको, काहे लड़े जा रहे हो तुम दोनों? हाँ बिट्टी, काहे गुस्से से देख रहे हो यश को? अब क्या कर दिया इसने? मम्मी वो तुम चुप रहो। बिट्टी इतने गुस्से से तुम्हें देख रही है, मतलब तुमने जरूर कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी है। बिट्टी बता क्या बात है, बता तो। सीरियसली रिचा, प्रताप अंकल इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। वो बहुत नफरत करते हैं सुरेंद्र जी से। इनफैक्ट उनकी तो लड़ाई भी हुई थी बहुत बड़ी, उनको जेल तक पहुंचा दिया उन्होंने। तो भाई जब मैं यश से मिली थी तो मैंने ये सब थोड़ी ना सोचा था कि ये होगा। और रही बात स्टैंडर्ड्स की, तो ना वो पहले मैटर करते थे और ना अब मैटर करते हैं। रिचा तुम समझ नहीं रही हो, ये बात अब स्टैंडर्ड की नहीं है, ये बात अब नफरत की है। और मुझे नहीं लगता कि प्रताप अंकल इस शादी के लिए मानेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो शायद हमें सब कुछ सच बताना पड़ेगा। ये क्या बातें हो रही हैं? हम अपना पेट काट काट कर तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, अरे हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश किए जा रहे हैं, और तुम हमें ई सिला दे रहे हो। घर का चरा कहते कहते तुम्हारे पापा की जबान नहीं थकती। यश मम्मी गलती हो गई, हमसे गुनाह किया तुमने। अपने गुनाहों को गलती का नाम मत दो यश। अपने बारे में नहीं, कम से कम वो लड़की के बारे में सोचा होता। वो अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाएगी, क्या बताएगी उनको? हाँ और अक्षत, तुम कौन से सच की बात कर रहे थे? तुम दोनों जब से आए हो तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। क्या बात है अक्षत, सच सच बता। हाँ मम, मैं आपको सच बताता हूँ। एक्चुअली रिचा की एक फ्रेंड है, वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। क्या? जी मम। अब वो बहुत डरी हुई है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, घर वालों को कैसे बताए। हे भगवान, क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को? बेशर्मी की सारी हदें पार कर रखी है उन्हें। उन्हें एक बार भी ऐसी घटिया हरकत करने के पहले अपने घर वालों का ख्याल नहीं आया। मम एक बात बताइए ना, अगर आप उसके पेरेंट्स की जगह होते तो आप क्या करते? ऐसी शेमलेस और गैर जिम्मेदार लड़की को कोई क्या कह सकता है? पर सीरियसली मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि अगर मेरी लड़की ऐसा करती तो मैं क्या करती। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं उस सिचुएशन में नहीं हूं और ना ही कभी होऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने वैसी परवरिश नहीं दी है। मेरी रिचा बहुत समझदार और संस्कारी है। ये क्या, तेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई और तूने मुझे बताया नहीं?